हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कानपुर यूनिवर्सिटी ने पीजी प्राइवेट का रिजल्ट निकाला है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ सामने आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट लगातार भेज रहे हैं। इसी क्रम में एक स्टूडेंट ने हमारे पास रिजल्ट भेजा है जो जिनका कहना है कि सर पार्ट वन के नंबर नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिएगा, एमए सेकेंड ईयर के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो स्टूडेंट ने बताया है कि पॉलिटिकल साइंस उस स्टूडेंट का ये पाठ्यक्रम था। तो यहाँ पर नंबर तो प्राइवेट में यहाँ पर कह सकते हैं अच्छे नंबर मिले, लगभग 60% से ज़्यादा स्टूडेंट का बना है और बायबा में भी यहाँ पर इन स्टूडेंट को अच्छे नंबर मिले हैं। यहाँ पर टोटल इनका 327/500 बन रहा है और लेकिन प्रीवियस मार्क्स में 0/500 लिखा रहा है और रिजल्ट डिटेंड यानी रिजल्ट अभी इनका रोक लिया गया है। ऐसा लगभग सभी स्टूडेंट में आ रहा है जो भी स्टूडेंट इस साल प्राइवेट कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने किसी कारणवश एक साल परीक्षा छोड़ दी होगी। यानी माना कि आपने 2020 में या 19 में आपने स्टार्ट किया और उसके बाद में दो साल छोड़ दी या एक साल छोड़ दी, या आपने अगर लगातार कर रहे हैं तो आप में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा क्योंकि लगातार आप करते तो आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आपका रिजल्ट आ चुका होता। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो लगातार भी कर रहे हैं उनका भी इस बार जो रिजल्ट आया है वो पार्ट वन के नंबर चढ़ के नहीं आए हैं। तो यहाँ पर अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि पार्ट वन में किस आधार पर नंबर मिलेंगे, क्या सेकेंड ईयर में जितने नंबर वही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आप एक बात कन्फर्म कर दें कि जो 327 नंबर हैं ये आपके पार्ट वन में चढ़ के नहीं आएंगे। जब भी आपका ये रिजल्ट सुधार हो जाएगा, सुधार कैसे करना ये हम आपको ऑलरेडी अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ध्यान दें कि इस बार आपके जितने भी नंबर यहाँ पर लिख के आ रहे हैं हूबहू वही नंबर आपके पार्ट वन में चढ़ के नहीं आएंगे। इसके पीछे कारण है क्योंकि आपके लिखित में जितने नंबर आएंगे उसका औसत, मतलब आपका पार्ट पेपर 1, 2, 3, 4 में जैसे 61, 64, 62 और 66 इनका जोड़ लो, यानी चारों आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए और उसमें 4 का भाग दे दीजिए तो इसका आपका लिखित पेपर का औसत आ जाएगा। जितना भी आपका आएगा 60 आएगा 62 आएगा 64 आएगा जो भी आए वही आपका एग्रीगेट लग कह सकते हैं कि पार्ट वन में 5 पेपर होते हैं इस सब्जेक्ट में, तो 5 पेपर में वही आपके औसत के अंक औसत अंक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। माना कि आपको यहाँ चारों पेपर जोड़ के एक आपका औसत 60 नंबर आया या 62 आया तो पार्ट वन में आपको हर एक पेपर में 62 62 62 62 यानी 5 पेपर में आपको 62 नंबर देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो आपका बायवा, क्योंकि बायवा में लगभग स्टूडेंट को 60-65 से ज़्यादा ही नंबर मिल जाते हैं, वो आपका टोटल में पार्ट वन में नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट में डिटेल दिखा रहा है वो कैसे सुधरवा सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं ग्रीवनेंस पोर्टल पर। ग्रीवनेंस पोर्टल पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि आपको ग्रीवनेंस कैसे लगाना है, अपनी शिकायत कैसे लगाना है कानपुर यूनिवर्सिटी को, उस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके अलावा आप जनसुनवाई ऐप पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप RTI लगा सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप जल्द इन प्रक्रम जो भी प्रोसेस हमने बताई है उनको फॉलो करिएगा और अपनी बात कानपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंचाइएगा कि सर हमारे जो सेकेंड ईयर में नंबर आए हैं उनका जो औसत है उसके आधार पर पार्ट वन में भी नंबर दिए जाएँ। जो हमारा रिजल्ट डिटेंड दिखा रहा है यानी रोक के जो रखा गया है उसको जल्द पब्लिश किया जाए और अपडेट किया जाए रिजल्ट, और जिसमें कि सही से रिजल्ट पास सो होने लगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो कन्फर्म रहिएगा कि जब बहुत सारे स्टूडेंट लगातार इस एप्लीकेशन को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो जनसुनवाई ऐप हो, चाहे ग्रीवनेंस पोर्टल हो या RTI हो, इस प्रकार आप जैसे ही अपनी बात कानपुर यूनिवर्सिटी तक बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचाएंगे तो कन्फर्म रहिएगा कि विदिन 2 वीक से अंतर्गत ही आपका ये रिजल्ट आसानी से सुधर के आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।